स्त्री के लिए प्रसव वेदना सहन कर बच्चे को जन्म देना उसके स्वयं के लिए दोबारा जन्म लेने की तरह होता है। प्रसव पहला हो एवं सुरक्षित हो, जहां पर हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जहां पर एक 25 वर्षीय महिला केवल ऑटो में अकेली बैठी रही और जहां पर उफनता हुआ नाला और साथ ही में अस्पताल नहीं पहुंच पाने का दर्द समझ सकती थी केवल वही। 25 वर्षीय इकलेश बाई ही परलापुरा का गंदा नाला और मऊ तिराहे की उफनती नाली पार कर अस्पताल नहीं पहुंच पाने का दर्द समझ सकती थी। ऐसे में सब इंस्पेक्टर अरुंधति राजावत एवं आरक्षक इतिश्री राठौर ने जानकारी मिलते ही ऑटो में ही उसका न सिर्फ सुरक्षित प्रसव करवाया बल्कि नवजात की साफ सफाई कर पुत्र रत्न की बधाई और साथ ही में शुभकामनाएं देते हुए नवजात पुत्र को इकलेश के गोद में दे दिया। एक ग्रामीण महिला पुलिस का ऐसा मानवीय स्वरूप देखकर आश्चर्यचकित थी और बार बार पुलिसकर्मियों और पुलिस विभाग का आभार मानते हुए खुशी के आंसू छलका रही थी। उल्लेखनीय है कि सुठालिया के ग्राम मोड़ बड़ली की इकलेश बाई की प्रसव पीड़ा को देख उसका पिता सिविल अस्पताल ब्यावरा ले जाना चाह रहा था लेकिन 4 से 5 दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण सुठालिया थाने के पीछे मऊ तिराहे की नाली और पुरलापुरा का गंदा नाला उफान पर चलते हुए प्रसव पीड़ा बर्दाश्त कर इकलेश बाई का रास्ता रोका था। ऐसे में बेटी का दर्द देख नहीं पा रहा उसका पिता सीधे सुठालिया थाने पहुंच गया और प्रसूता को बचाने की गुहार लगाई। एक पिता का दर्द और जच्चा बच्चा का जीवन खतरे में देख उप निरीक्षक अरुंधति ने सबसे पहले सुठालिया स्वास्थ्य केंद्र से नर्स को बुलाया और आरक्षक राठौर को साथ में लेकर प्रसूता तक दौड़ लगाकर पहुंच गई। उन्होंने इकलेश बाई का ऑटो में ही सुरक्षित प्रसव भी करवाया और स्वास्थ्य केंद्र सुठालिया पहुंचाया। जच्चा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है और इकलेश भी अपने पुत्र को सुरक्षित तथा स्वस्थ पाकर फूले नहीं समा रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए राजगढ़ से नाजिन अल्ताफ की रिपोर्ट।